हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा डिसीज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉज्ड बाय। डाउनी मिल्ड्यू डिसीज है पर्ल मिलेट की, वो किसके द्वारा होती है? क्लेविसेप फ्यूजीफॉर्मिस, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, टॉलिस्पोरियम पेंसिलेरी या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू पर्ल मिलेट किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जो कि एक फंगस है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट को हम लोग ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना डाउनी मिल्ड्यू और ऑल्सो नोन एज ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट। देन क्वेश्चन नंबर टू, हनी लाइक पिंकिश लिक्विड इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज। ठीक है, कौन सी डिसीज में जो हनी लाइक पिंकिश लिक्विड हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है? इर्गट, स्मट, ग्रीन ईयर डिसीज और कवर्ड स्मट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इर्गट। ठीक है, इर्गट डिसीज में जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंकिश लिक्विड कलर निकलता है। ठीक है, लेटर ऑन उसके बाद वो ब्राउन टू ब्लैक में चेंज हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच डिसीज लेटर ऑन अफेक्टेड ग्रेन टर्न्स इनटू ब्लैक सूरी। ठीक है, कौन से डिसीज में जो ग्रेन होता है, अफेक्टेड ग्रेन होता है, थोड़े समय के बाद ब्लैक सूरी में डेवलप हो जाता है? एर्गट, स्मट, ग्रीन ईयर डिसीज और कवर्ड स्मट। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्मट बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्मट। स्मट डिसीज में जो ग्रेन होता है वो लेटर इसमें चेंज हो जाता है ब्लैक सूरी में। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच डिसीज ऑफ फ्लोरल पोर्शन टर्न्स इनटू ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर। कौन सी डिसीज में जो फ्लोरल पोर्शन होता है वो हमारा लीफी लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है? सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स ग्रीन ईयर डिसीज और डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, देखिए ग्रीन ईयर डिसीज को ही हम लोग डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं, मीन्स दोनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज जो डिसीज है वो किसके द्वारा होती है? पर्नोस्कोलोस्पोरा सॉर्गी, स्टिलैगोमियाडिस, फ्यूजीफॉर्मिस ऑक्सिस्पोरियम या बेमिसा टेबिकाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्नोस्कोलोस्पोरा सॉर्गी कॉजेस डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मेज में जो व्हाइट बर्ड डिसीज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? कॉपर, आयरन, जिंक या मैगनीज के कारण। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, जो व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन सॉइल। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो 25 kg जिंक सल्फेट को अप्लाई करना है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर सोइंग के समय, तो ये डिसीज जो है राइट क्योर हो सकती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेवन, स्मट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय। जो स्मट डिसीज ऑफ मेज है वो किसके द्वारा होती है? सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा या ड्यू टू वायरस या पक्सीनिया परपुरे या उस्टिलैगो मियाडिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? स्मट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय उस्टिलैगो मियाडिस। ठीक है, पक्सीनिया परपुरे के द्वारा कौन सी होती है? लीफ रस्ट होता है। ठीक है, याद रखना है पक्सीनिया परपुरे के द्वारा लीफ रस्ट और सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा के द्वारा टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, उसका एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म फंगस है ये। देन क्वेश्चन नंबर एट, इन विच डिसीज ऑफ मेज एपिकल पोर्शन ऑफ द लीव्स बिकम वाइट। मेज के कौन सी डिसीज में जो एपिकल पोर्शन होता है टॉप, वो हमारा वाइट कलर का हो जाता है? डाउनी मिल्ड्यू, चारकोल रॉट, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज या स्मट ऑफ मेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। ठीक है, जो व्हाइट बर्ड ऑफ मेज क्या हो जाता है कौन सी डिसीज में, तो व्हाइट हो जाता है। ठीक, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज में। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, सीडलिंग ब्लाइट इन मेज इज कॉज्ड बाई। कौन सी फंगस है जो कि सीडलिंग ब्लाइट को कॉज करता है? पर्नोस्कल्पोरा सॉर्गी, स्टिलैगोमियाडिस, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम या पाइथियम अफर्नी डर्मेटम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पाइथियम अफर्नी डर्मेटम। ठीक, ये सीडलिंग ब्लाइट को कॉज करता है मेज में।
देन क्वेश्चन नंबर 10, डिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी डिसीज थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी ग्रेट बंगाल फेमाइन के लिए। तो ये पता होना चाहिए कि 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। ठीक है, 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था, और कौन सी इसकी डिसीज थी, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, BLB, जो BLB डिसीज थी, BLB नहीं थी, ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट जो डिसीज थी उसके कारण आया था ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, बी नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट का बोटेनिकल नेम क्या है, पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा का बोटेनिकल नेम क्या है, सॉर्गम बाइकलर, सैचम ऑफिसिनेरियम, पेनिसेटम अमेरिकानम या अराचिस हैपोजिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पेनिसेटम अमेरिकाना। ठीक है, पेरिसेटम अमेरिकाना इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पर्मनेंट। सॉर्गम बायकलर किसका है, सॉर्गम का है। सचरम ऑफिसिनेरियम किसका है, तो ये हमारा शुगर केन का है। और अराचिस हैपोजिया किसका है, ग्राउंडनट का। ठीक है, ये बोटेनिकल नेम है, तो सबको आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेन स्मट ऑफ सॉर्गम इज कॉज्ड बाई, जो ग्रेन स्मट डिसीज है सॉर्गम की वो किसके द्वारा होती है, पक्सीनिया परपरे, सिफेलोथीसिया सॉर्गी, स्टिलैगो मियाडिस या फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सिफेलोथीसिया सॉर्गी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिसीज है वो हमारी कैसी है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, इंटरनली सीड बॉर्न है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज। ठीक है, ब्राउन स्पॉट डिसीज ऑफ राइस जो होती है वो हमारी एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज है, मीन्स अगर आप केमिकल का यूज़ करेंगे, थीरम, कप्तान, तो उस ईजिली आप उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, स्फेलिया ऑफ सॉर्गी कॉजेज डैश डिसीज ऑफ सॉर्गम। ठीक है, जो फंगस है स्फेलिया सॉर्गी, ये कौन सी डिसीज को कॉज करता है, लूज स्मट, हेड स्मट, शुगरी डिसीज ऑफ सॉर्गम या डाउनी मिल्डू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, शुगरी डिसीज ऑफ सॉर्गम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, स्फेलिया सॉर्गी कॉजेज शुगरी डिसीज ऑफ सॉर्गम। देन क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू वायरस, कौन सी डिसीज है जो कि एक वायरल मीन्स वायरल डिसीज है, कौन सी जो कि वायरस के कारण होती है, फुसेरियम विल्ट, स्टल्टी मोजाइक, चारकोल रॉट या स्मट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टल्टी मोजाइक। ठीक है, ये एक हमारी वायरल डिसीज है जो कि किसमें होती है, अरहर में। ठीक है, पीजन पी में। देन क्वेश्चन नंबर 16, वेक्टर ऑफ स्टल्टी मोजाइक इज, स्टल्टी मोजाइक का जो डिसीज है उसका जो वेक्टर है वो क्या है, एफिड, बेमिसा टेबिका मीन्स वाइट फ्लाई, या इरोफडीमाइट, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इरोफडीमाइट। ठीक है, वेक्टर कौन सा स्टल्टी मोजाइक का, वो है इरोफडीमाइट। देन क्वेश्चन नंबर 17, लीफ रस्ट ऑफ सॉर्गम इज कॉज्ड ड्यू टू, जो लीफ रस्ट है सॉर्गम का वो किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया परपुरे, फुसेरियम ऑक्सिस्पोरियम, सर्कोस्पोरा आर्चिटिकोला या स्पर्जिलस नाइजर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पक्सीनिया परपुरे। ठीक है, लीफ रस्ट ऑफ सॉर्गम इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया स्पीसीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, टिक्का और लीफ स्पॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो याद रखना है टिक्का डिसीज को हम लोग लीफ स्पॉट डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किस क्रॉप की डिसीज है, तो ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंडनट की मोस्ट फेमस डिसीज है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट डिसीज है, याद रखिएगा। टिक्का और लीफ स्पॉट इज अ डिसीज ऑफ ग्राउंडनट विच इज कॉज्ड बाय फंगस, कौन से फंगस से होती है, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला या सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ये दोनों से होती है। ठीक है, दोनों इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसीज के लिए, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिसीज है उसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, वो कौन सा है, हेलमंथोस्पोरियम ओराइजे, पेरिकुलेरिया ओराइजे, राइजोक्टोनिया ओराइजे या स्पर्जिलस नाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हेलमंथोस्पोरियम ओराइजे। ठीक है, जो कि ग्रेट बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि 1943 में हुआ था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, अल्फा टॉक्सिन इन स्टोर्ड कर्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस, जो ग्राउंड नट के जो स्टोर्ड कर्नल होते हैं उसमें एक अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो कौन से फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है,
सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, एस्परजिलस नाइजर या एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। ठीक है, याद रखना ये भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है और याद रखना है आपको, एस्परजिलस नाइजर कॉज्ड बाय एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन इन स्टोर्ड कर्नल्स ऑफ ग्राउंडनट। देन क्वेश्चन नंबर 21, अप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोडर्मा विरेडी हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ। ट्राइगोडर्मा विरेडी क्या एक फंगीसाइड है, बायोफंगीसाइड है, हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है, क्या मैनेजमेंट में, कॉलर रॉट, रेड रॉट, लीफ स्पॉट या डाउनी मिल्डो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कॉलर रॉट। ठीक है, जो कॉलर रॉट डिसीज होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है, ग्राउंडनट में जो कॉलर रॉट डिसीज होती है तो उसमें काफ़ी मदद करता है ट्राइगोडर्मा डिसीज। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एस्परजिलस नाइजर कौन से डिसीज को कॉज करता है, तो कॉलर रॉट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, रेड रॉट तो शुगर केन की डिसीज है। ठीक है, लीफ स्पॉट हमारी ये भी किसकी है, ग्राउंडनट की है। देन पुअर मैन डिसीज ऑफ राइस इज, जो पुअर मैन डिसीज है कौन सी डिसीज है, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट या खैरा डिसीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इट इज नोन एज पुअर मैंस डिसीज। ठीक है, ब्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिच मैन डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज नोन एज। जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज होता है बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट राइस का वो कौन सा होता है, ब्लाइटिंग, क्रिसेक या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्रिसेक। क्रिसेक मतलब जो इनिशियल फेज होता है जहाँ पर जो सीडलिंग होती है विल्ट होकर जाती है, तो वो हमारा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज होता है बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच डिसीज ऑफ राइस इज नोन एज रिच मैंस डिसीज। कौन सी डिसीज है जो कि रिच मैंस डिसीज के नाम से जानी जाती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या ब्राउन लीफ स्पॉट या ब्लास्ट डिसीज या पानसोक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ब्लास्ट। ब्लास्ट इज नोन एज रिच मैंस डिसीज और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज नोन एज पुअर मैंस डिसीज और पानसोक हमारी फिजियोलॉजिकल डिसीज है राइस की। ठीक है, तो याद रखना है पानसोक हमारी कैसी है, फिजियोलॉजिकल डिसीज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल डिसीज, तो एग्जाम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानसोक। देन क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन लीफ हॉपर इज अ वेक्टर ऑफ। जो ग्रीन लीफ हॉपर है वो किस डिसीज का वेक्टर है, पानसुक डिसीज, फॉल्स स्मट, टुंग्रोव डिसीज या ग्रासी स्टंट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, टुंग्रोव डिसीज। ठीक है, जो ग्रीन लीफ ऊपर है वो हमारा टुंग्रोव डिसीज का वेक्टर है और ग्रासी स्टंट का वेक्टर क्या हो जाएगा, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्राउन प्लांट हॉपर हमारा ग्रासी स्टंट का हो जाएगा और ग्रीन लीफ ऊपर हमारा हो जाएगा टुंग्रोव डिसीज का। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल डिसीज। इनमें से कौन है जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसीज है, वुडबटर डिसीज, ये सभी राइस की डिसीज हैं। ठीक है, येलो टॉफ डिसीज, पानसुक या बेकेने डिसीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, पानसुक। ठीक है, पानसुक डिसीज है, कैसी है, फिजियोलॉजिकल डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 27, डिसीज ऑफ राइस कॉज ड्यू टू फाइटोप्लाज्मा। कौन सी डिसीज है जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, जो इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो फाइटोप्लाज्मा है, येलो डॉफ, ग्रासेस स्टंट, बीएलबी या ब्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, येलो डॉफ। जो येलो डॉफ डिसीज है उसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, फाइटोप्लाज्मा। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच डिसीज इज नोन एज फुलिश सीडलिंग डिसीज। कौन सी डिसीज है जिसको हम लोग फुलिश सीडलिंग डिसीज के नाम से जानते हैं, उडबट्टा डिसीज, येलो डॉफ डिसीज, पानसुक या बेकेने डिसीज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बेकेने डिसीज। ठीक है, बेकेने डिसीज इज नोन एज फुलिश शीडलिंग डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच डिसीज इज कॉल्ड एज ग्रीन प्लेग। कौन सी डिसीज है जिसको हम लोग ग्रीन प्लेग के नाम से जानते हैं, येल्लो मोजाइक, स्टल्टी मोजाइक, लीफ स्पॉट या सीड रॉट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टल्टी मोजाइक। जो स्टल्टी मोजाइक डिसीज है उसको हम लोग ग्रीन प्लेग के नाम से जानते हैं, जो कि किसमें होती है, पीजन पी अरहर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, इन विच डिसीज इंटायर फ्लोरल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म इंटू स्मटेड गॉल्स। कौन से डिसीज में जो इंटायर सभी जो फ्लोरल स्ट्रक्चर होते हैं किसमें चेंज हो जाते हैं, स्मटेड गॉल्स में चेंज हो जाते हैं, हेड स्मट, स्क्वाटा ब्लाइट, कर्नाल बंट या ब्लैक रस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हेड स्मट। ठीक है, हेड स्मट ऑफ सॉर्गम में क्या हो जाता है, जो भी जितना भी फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो हमारा स्मटेड गॉल्स में चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।